हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस FL स्टूडियो की ट्रेनिंग सीरीज के अंदर। और ये पार्ट 9 वीडियो है और इस वीडियो में लोग बात करेंगे बेस लाइन के ऊपर कि बेस लाइन क्या है और इसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेब किंग टूल्स। मेरा नाम है हर्ष और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस लाइन के ऊपर, क्या है बेस लाइन और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बेस लाइन आपके सॉन्ग में जान डालने का काम करता है। ये एक ऐसी म्यूज़िक होती है जो कि आपके सॉन्ग को परफेक्ट बनाती है या फिर आपकी म्यूज़िक को एक अच्छा लुक देती है। तो चलिए जान लेते हैं बेस लाइन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एक छोटी सी म्यूज़िक बनाने की, जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने पियानो रोल में जाकर एक म्यूज़िक बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, उसी म्यूज़िक को हम लोग बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन एक तरह से अगर हिंदी में समझें आप, तो बेस मतलब होता है मजबूती, एक फाउंडेशन, उसका न्यू, किसी भी चीज़ का न्यू, और लाइन एक लाइन पे जो बनी होती है। बेस और लाइन जो मतलब कि जो उसका मजबूत हिस्सा होता है किसी चीज़ का, उसे बोलते हैं बेस लाइन। और सेम इसे अगर म्यूज़िक में देखें तो किसी भी सॉन्ग का, किसी भी म्यूज़िक का सबसे मजबूत हिस्सा होता है उसका बेस लाइन। जैसा जितना अच्छा उसका बेस लाइन होगा, उतनी अच्छी उसकी म्यूज़िक कम्प्लीटली आउटपुट बनेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि आप बेस लाइन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, बेस लाइन बनाने का देखिए तरीका दो होता है। एक तो आपके पास बेस लाइन का सैंपल हो तो आप बेस लाइन बना सकते हैं, अदरवाइज आप VST के यूज़ से बेस लाइन बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था बेस लाइन कैसे बनता है, जैसे पियानो रोल में मैंने एक म्यूज़िक बनाया था उसको ही बेस लाइन बोलते हैं। बट इस वीडियो में हम आपको फिर से सिखा देते हैं बेस लाइन के बारे में। तो चलिए उसी वीडियो को फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बेस लाइन कैसे बनता है। सबसे पहले दोस्तों, आपको पैटर्न 1 पे डिफ़ॉल्ट चेक करना होगा और इसमें आपको चैनल 1 में कुछ चीज़ों को ऐड करना होगा। चलिए, जैसे कि हम लोग ड्रम लूप बनाते हैं, ड्रम लूप के लिए हमको चाहिए क्या, किक चाहिए, किक हम लोग ऐड कर देते हैं, वॉल्यूम फुल और फिलिज 4 स्टेप। और एक क्लैप ले लेते हैं हम लोग, क्लैप भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर स्नैर लेते हैं, इसको ले लिया। और इसको हम लोग को हर सेकंड के नीचे पुट करना है और इसकी कुछ ऑडियो कुछ इस तरह है। चलिए, हो गया। अब इसको हम लोग अपने ट्रैक लिस्ट पे कुछ समय तक, कुछ दूरी तक इसको ड्रैग कर लेते हैं और इसको पैटर्न 2 पे करते हैं। पैटर्न 2 पे हम लोग बनाएंगे बेस लाइन। तो चलिए, पैटर्न 2 पे हम लोग बेस लाइन बनाते हैं। इसको हम लोग रीनेम करके, इस पर राइट क्लिक रीनेम करके नाम लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम लोग ड्रम लूप, और कलर चेंज कर देते हैं इसका हम लोग, एंटर। ये हम लोग की ड्रम लूप हो गई और इसमें हम लोग बनाएंगे बेस लाइन। इसमें हम लोग बेस लाइन को ड्रैग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पैटर्न 2 पर चेक करके आते हैं अपने चैनल रैक पे और ऐड करते हैं एक VST। इस बार हम लोग मान लीजिए हार्मर ही ऐड कर लेते हैं। ये हो गया हार्मर। और इसके बाद हम लोग कोई एक प्रीसेट सेलेक्ट करते हैं, कोई अच्छा सा बेस ही, एनालॉग बेस 2, ये शायद हम लोगों ने ले लिया था। चलिए, हम लोग कोई दूसरी VST इस बार ऐड करते हैं। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। इस बार हम लोग हार्मलेस को ऐड करते हैं। ये हार्मलेस हो गई। इसमें हम लोग प्रीसेट कोई चूज़ करते हैं अच्छा सा बेस में, बहुत सारे बेसेस हैं इसमें, आपको जो पसंद है कर लीजिए। मैं एग्जांपल तौर पर DX बेस 2 ले लेता हूँ, इसकी ऑडियो कुछ इस तरह है। मैं अगर कुछ इस तरह ऑडियो इसकी है। चलिए, अब बनाते हैं इसको पियानो रोल में। आप पियानो रोल यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप पियानो रोल यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों, अब आती है यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बेस लाइन। कैसे बनाया जाए बेस लाइन? ये C5 पर डिफ़ॉल्ट है, इसी पर हम लोग बेस लाइन बनाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, सेम हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे। इसको ऐसे कॉपी करके इसकी ये दोनों बना लिया। इसको हम लोग अब कंट्रोल की प्रेस करके ऐसे ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट की प्रेस करके ऐसे ड्रैग करेंगे, फिर से कंट्रोल की प्रेस, फिर शिफ्ट की से ऐसे डाउन। ये हो गया, 4 तक हो गया ना। अब 4 का बीट और बनाते हैं, इसको हम लोग नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। हो गया तैयार हम लोग का बेस लाइन। अब आते हैं प्लेलिस्ट पर। अब हम लोग पैटर्न 2 को सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर लेते हैं।
इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, अब सुनिए इसकी साउंड। यहाँ पर एक जगह थोड़ा सा एरर हो गया, ध्यान दीजिएगा। मैंने जो ये लाइन है, ये आपको मैंने बताया था कि जो ये हाईलाइटेड लाइन होती है, इससे आपकी ये जो पार्ट है, पोर्शन हम लोगों ने सैम्पलाइज किया इस पर पियानो पार्ट, इसमें टच करना चाहिए। अगर ऐसे भी अगर इधर करेंगे आप तो वो अरेंज नहीं होगा, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान देकर ही यूज़ किया करिए, ठीक है। चलिए अब सुनते हैं, अब ये अच्छा साउंड आएगा। अच्छी म्यूजिक बन गई है बहुत ही कम टाइम में। तो दोस्तों अगर मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूं तो ये बनती है आपकी बेस लाइन, ये है आपका मेन बेस लाइन जो कि आपके म्यूजिक में जान डालती है। ऐसे तो कुछ इसकी जो खास म्यूजिक नहीं लग रही है, बट जब इसमें आपको एक ड्रम लूप तैयार करके ऐसे छोड़ते हैं ड्रैग कर, तब इसकी ऑडियो बहुत ही अच्छी आती है। अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज करना है तो मैं जो ड्रम लूप मैंने बनाया था, मैं यहाँ पर एक हैट लगा देता हूँ। इसको आपको बताया तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर चौथे पर, फिर चौथे पर। अब सुनिए इसकी साउंड, पूरा का पूरा साउंड चेंज हो गया है। इट साउंड्स रियली गुड, होप सो आपको पसंद आया होगा। वैसे सो गाइस, ये था हम लोग का बेस लाइन का पोर्शन। अब हम लोगों ने बेस लाइन तो बना लिया था, और बनाया हमने कैसे, ये हमने बनाया बेस लाइन VST की हेल्प से। अगर कुछ लोगों के पास ऑलरेडी बनाया बेस लाइन का सैंपल होता है तो उसे कैसे बनाया जाए, तो चलिए हम लोग पैटर्न 3 पे जाते हैं, और पैटर्न 3 पे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे बेस लाइन सैंपल्स। हम लोग इस पर जो है जो सैंपल ऑलरेडी पड़ी हुई आपके पास बेस लाइन की, उससे बनाएंगे। तो पैटर्न 3 पे हम लोग अपना चैनल ओपन करते हैं, और मेरे पास कुछ सैंपल्स पड़े हुए हैं बेस लाइन के जो मैं आपको सुना देता हूँ। यह बेस लाइन, और मेरे पास दो टाइप के सैंपल्स हैं, सिंगल डबल। सिंगल देखिए एक तरह से जैसे कि हाथ मारा हुआ होता है, एक थप टाइप का, जैसे कि ये, देख सकते हैं एक तरह से हाथ मारा हुआ है, जैसे कि आपका किक वगैरह होता है, सेम ऐसे ही है। अब मैं इसे मान लीजिए ड्रैग करके बना ले रहा हूँ। आपको इसे कैसे यूज़ करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं। ऐसे पैटर्न बनाइए, और जैसे कि जो जनरली होता है ट्विन बेस लूप, वो ऐसे होता है। ध्यान दीजिए आप, जो ये लास्ट वाला है डार्क पोर्शन, इस पर क्लिक करना है आपको, फिर उसके बाद दो छोड़ के फिर इस पर छोड़ना है, फिर ऐसे ही जो इस पर आएगा डार्क पोर्शन लास्ट वाला, सेकेंड जो एक ग्रे वाला है, उसके बाद दो छोड़कर आपको ऐसे प्रेस करना है। अब इसको आप प्ले करके सुनिए, ऐसे तो कुछ खास ऑडियो इसकी नहीं आ रही है। जब मैं इसको इसके नीचे ड्रैग करके प्लेस करता हूँ, अब इसको सुनिए आप, और इसमें आप हल्का चेंज भी कर सकते हैं। इसको मान लीजिए मैं इसको, आप ध्यान दीजिए जो ये सेकंड वाला है ग्रे वाले पे, इसके एक गैप छोड़कर यहाँ पर फिल कर दीजिए। अब सुनिए इसको, आप चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई और बेस लाइन लगा सकते हैं जो सैंपल पड़ा हुआ आपके पास। मैं इसको लगा दे रहा हूँ, अब इसको सुनिए। ये तो बात हो गई हम लोगों की जो सिंगल वाला होता है बेस लाइन सैंपल, उससे बनाया हम लोगों ने। चलिए अब हम लोग पैटर्न 4 पे आते हैं, उस पर हम लोग बनाते हैं डबल बेस लाइन। जो डबल बेस लाइन सैंपल्स होते हैं उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो चलिए देखते हैं। इसको मैं क्लोज करके अपने आप फोल्डर में आता हूँ डबल बेस लाइन पे। वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसा कि आप इस पर डबल डबल बनाते थे कि यहाँ और यहाँ करके, या ऑलरेडी बना बनाया होता है। इसको आप कैसे बनाएं, इसको आपको ध्यान देना है, इसको आपको फर्स्ट और सेकंड पे होता है, ये सब पे मैच नहीं करता है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब इसको
ट्रैक करके मैं कुछ देर तक सुनता हूँ, होप सो ये काम कर जाए। देख रहे हैं जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही साउंड आ गई इसमें, बहुत ही अच्छा साउंड आ रहा है। फिर से सुन लीजिए एक बार, देख रहे हैं। और ये सिंगल वाली इसमें है, ये गलती से पड़ गया था, लेकिन ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, जैसे कि मैंने बताया था सिंगल बेस लाइन। ये सुनिए इसको, बहुत ही अच्छी साउंड आ रही है इसकी। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो या फिर आपको कुछ इसमें समझ ना आया हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट तो कर ही सकते हैं। आप हमें चाहे मेल कर सकते हैं, चाहे आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो अभी तुरंत कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी सैम्पल्स पैक आप मुझसे लेना चाहते हैं आप मुझसे ले सकते हैं, आपका नंबर मेरे पास ऑलरेडी है, आप हमें डायरेक्टली कंसल्ट करिए। कोई भी सैम्पल, कोई भी पैक चाहिए, कोई भी एसटी चाहिए हो हमसे कॉन्टैक्ट करिए। नंबर मेरा है, आप नंबर देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर नंबर लिखा हुआ है, webking2.xyz पे मेरा वेबसाइट है, वो उस पर नंबर में लगा हुआ है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कोशिश करिए कि मेरे वीडियो को ऑनलाइन देखिए, डाउनलोड ना करिए, और चैनल को सब्सक्राइब के लिए जो लोग नए हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।